जय हिंद, वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपली वी कैन राइट अबाउट इट एज, इसको हम लोग फार्मूला के थ्रू लर्न करेंगे कि अगर कोई वेक्टर ए है और दूसरा एक वेक्टर बी है, तो a क्रॉस b इज गिवेन एज मॉड ऑफ वेक्टर a, मॉड क्या होता है मैग्नीट्यूड, इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b इनटू साइन थीटा इनटू n कैप। तो ये हमारा फार्मूला हो गया और इसी को हम डिफाइन करेंगे। तो फार्मूला क्या है, यहीं से हम डेफिनेशन डिसाइड कर लेंगे। फार्मूला हमारा a क्रॉस b इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज अ नंबर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। मीन टू से कि अगर कोई ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसको प्रॉपरली वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं कि ये कोई वेक्टर ए है एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी, दिस इज अनदर वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो इट इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। मैं समझाऊंगा कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लें। तो डेफिनेशन क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो मैं ये लिख दूंगा जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है एग्जैक्टली उसी को हम एक स्टेटमेंट बना लेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स इज, टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज या मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स and sine of the angle between them in a particular direction, in a particular direction, particular direction। अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। और ये जो है एन कैप है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर हम इसका लिखना चाहें, एक्सप्लेनेशन पार्ट, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, बी द टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। So therefore, according to statement, ये जो statement है, इस statement के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, according to statement, according to statement हमें क्या मिला, A cross B is equals to mod of A into mod of B into cos theta, sorry sin theta, because it is साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो साइन थीटा
इंटू एन कैप। अब यहां पे एन कैप क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। तो यहां पे एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट्स या विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। और ये नेक्स्ट वेक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, इट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। मैं वो भी मेंशन कर देता हूं यहां पे कि डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है वो हम उसके बारे में बात करें। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, आप इमेजिन करिए कि आप किसी स्क्रू को राइट हैंड से घुमा रहे हैं। हम ऐसे घुमा रहे हैं मतलब कैसे घुमा रहे हैं, दिस वे ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे तो स्क्रू विल मूव इनसाइड, अंदर जाएगा। तो अंदर का एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर मैं अब कोऑर्डिनेट की बात करूं, अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट ले लूं यहां पे, तो आई विल से अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, दिस इज एनी कोऑर्डिनेट, आई विल से ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट को अगर मैं कंप्लीट करूं इस कोऑर्डिनेट को, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर हम अब 3D की बात करें, थ्री डायमेंशन, तो यहां पे एक कोऑर्डिनेट हमारा ऐसा होगा जो बाहर की तरफ होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, और एक कोऑर्डिनेट अंदर की तरफ होगा जो नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जो एक्सिस बाहर की तरफ होगा परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन वो क्या होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और एक एक्सिस अंदर होगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने राइट साइड में पॉजिटिव लिया, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिया। एक्स एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस की बात करें, ऊपर का एक्सिस इज पॉजिटिव और नीचे का एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। ऐसे ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होगा बाहर की तरफ दैट विल बी पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, कीप दैट इन माइंड। तो राइट हैंड स्क्रू रूल इज बेस्ड ऑन दैट वन। अब आप इमेजिन करो कि ये 3D है, इसको अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें दूसरे टर्म्स में, दूसरे तरह से लिखें, तो इट विल बी काइंड ऑफ दिस वन, दिस विल बी काइंड ऑफ दिस वन। ये x है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज z एक्सिस। अब इसमें जब हम बोल रहे हैं कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब हमारा मोशन कैसा है, ऐसा है, ऐसा हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, राइट। तो यहां हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल, और डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर हमें देता कौन है, एन कैप देता है। तो एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, और ये तीनों एक्सिस हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे एक और पार्ट चूज कर लें कि लेट
I be the unit vector along x-axis, J be the unit vector along y-axis, and K be the unit vector along z-axis. तो जब हम clockwise जा रहे हैं तो clockwise में हमें क्या मिलेगा? फिर से अगर हम स्क्रू को clockwise घुमा रहे हैं तो स्क्रू विल मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगा, perpendicular to the plane, so it is taken as negative. अंदर का z axis negative है, तो ये direction हम क्या लेने वाले हैं? Negative. तो मतलब अगर motion हमारा जो cross product का है, right hand screw rule के हिसाब से, अगर हम कैसे जा रहे हैं? Clockwise जा रहे हैं, तो क्या लेंगे? Negative लेंगे. अब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते तो स्क्रू बाहर आता है, तो बाहर मतलब बाहर का z एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट आउटसाइड, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव लेंगे. अब इसी चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, तो आगे मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म लूंगा. तो अगर आप लोगों को ये पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं. अब हम अगले टर्म पे चलेंगे, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. वी विल हैव नेक्स्ट पेज एज दिस वन. ठीक है, विल ऐड वन पेज. फाइन, ओके. अब इन कार्टेशियन फॉर्म तो हम लोग एक एक करके देखते हैं. मैं फिर से बेसिक फार्मूला एक बार लिख देता हूं. व्हाट इज आवर बेसिक फार्मूला? बेसिक फार्मूला हमारा क्या है? व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच represents the direction of next vector. ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया. अब जो कार्टेशियन फॉर्म की हम लोग बात कर रहे थे, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में मैं सिंपलर वे एक बार फिर से ये लिखता हूं कि ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, i इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J is the unit vector along y-axis and K is the unit vector along z-axis. तो फिर से अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे कि let I, J and K, let I cap, J cap and K cap be the unit vectors, be the unit vectors along x, y and z axis respectively. हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? यूनिट वेक्टर है, be the unit vectors. अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर having magnitude as 1. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, that is called यूनिट वेक्टर. तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, so we can say simply, हम बोल सकते हैं कि therefore mod of vector I is equals to mod of vector J is equals to mod of vector K. Mod मतलब magnitude. तो ये कितना होता है? This is 1. ये एक हमें याद रखना है. अब आगे हम लोग बात करें, what will be I cross I? What will be I cross I? अगर हम बात करें I cross I के बारे में, तो what is A cross B? अब हम इसके according चले, A cross B formula क्या है? A cross B का mod of A into mod of B into sin theta into n cap. लेकिन हम बात कर रहे हैं I cross I, मतलब ये component का इसी component के along, तो दोनों same direction में है, तो इनके बीच का angle क्या हुआ? 0. तो it will be इस formula के हिसाब से mod of a और b के जगह i और i है, तो it will be mod of i into sin 0. 0 क्यों? Because दोनों same direction में है, तो इनके बीच का angle क्या हुआ? दोनों i है ना component along x axis, तो दोनों के बीच का angle 0. और n cap जो भी आए वो
अब हम देखें साइन जीरो क्या होता है, जीरो, सो एंटायर टर्म विल बी जीरो। एंटायर टर्म जीरो क्यों हुआ? बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। तो हमें एक कंक्लूजन मिल गया कि व्हाट इज आई क्रॉस आई, दैट इज आई क्रॉस आई इज जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या होगा, इट विल बी जीरो। के क्रॉस के क्या होगा, अगेन इट विल बी जीरो। सिमिलर वे जैसे हमने ऊपर वाला किया है। अब दो चीजें और हम मेंशन करेंगे। हमने बताया कि क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है। एक तो ये पार्ट हो गया जो हमें याद रखना है। दूसरा, अब हम बात करें अगर मोशन अलोंग क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में हमने नेगेटिव चूज किया था, यही हमारा 3D का कंसेप्ट है। 3D, थ्री डायमेंशनल फॉर्म में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू Each other, x, y, z, and this is component i, this is component j, and this is component k. So think about it, what will be i cross i? मैं दो चीजें ले रहा हूं, एक अभी इसका पार्ट। मैं यहां पे अगर मैं बोलू कि मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, तो क्लॉकवाइज अगर हुआ मोशन, तो क्लॉकवाइज मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि क्लॉकवाइज में हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है? फिर से वही चीज के जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है? और जब हम स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, मेरी फिंगर्स का पोजीशन देखिए, ऐसे घुमाएंगे तो ये कैसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा किधर, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो नेगेटिव जेड एक्सिस है इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब हमें हमेशा नेगेटिव जेड एक्सिस मिलेगा, तो वी हैव टू टेक नेगेटिव। तो ये हमें नेगेटिव लेना है। तो अब ये ऑर्डर चूज करें, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे और आई के बाद का नेक्स्ट वेक्टर। बिकॉज अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसको लिखूं, तो मॉड ऑफ जे इंटू मॉड ऑफ आई इंटू साइन 90, बिकॉज जे और आई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 इंटू एन कैप। ये एन कैप हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। तो जे और आई के बाद वाला कौन सा टर्म है, के, वी विल राइट यूनिट वेक्टर के। तो ये हो गया हमारा, मॉड ऑफ जे इज 1, मॉड ऑफ आई इज 1, साइन 90 इज 1 एंड के क्या। तो हमें क्या मिला, सॉरी, माइनस के क्या। माइनस क्यों? क्योंकि जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव आ गया, तो ये माइनस के, दिस इज माइनस के। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, जे क्रॉस आई बिकम्स माइनस के, जे क्रॉस आई क्या मिल गया, माइनस के, जे क्रॉस आई बिकम माइनस के। नाउ आई क्रॉस के, नेक्स्ट वन माइनस जे, आई क्रॉस के विल बी माइनस जे, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, इट विल बी के क्रॉस जे विल बी माइनस आई, माइनस आई। तो एक फॉर्मेट हमें यहां पे भी मिल गया, दिस वन वी हैव टू रिमेम्बर। तो क्लॉकवाइज हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं नेगेटिव, ठीक है? अब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, ये क्लॉकवाइज की बात किया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करें तो क्या कंडीशन होगी, वो हम जरा देख लें। एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर निकलता है, और बाहर निकला तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। अब इसका भी डायग्राम वगैरह अगर हम चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, सेम है, मैं छोटा सा यहां पे लिख देता हूं, रेस्ट ऑफ ऑल वी नो, एक्स है, वाई है, जेड है, ये आई है, दिस इज जे कंपोनेंट एंड दिस इज के कंपोनेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम जाएंगे,
एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हम जाएंगे तो हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दें, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, मैं बहुत बार बता चुका कि जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू विल कम आउट एंड आउटसाइड का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस पॉजिटिव आएगा। तो अब हम इसका ऑर्डर लिख दें और सीधा सीधा लिख देते हैं, अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि प्रॉपर्टी वही फॉलो होगी। तो आई क्रॉस जे विल बी के, आई कैन राइट आई क्रॉस जे, इस केस में आई क्रॉस जे विल बी प्लस के, विल बी प्लस के, तो मैं के ही लिखूंगा। नाउ जे क्रॉस के विल बी आई, जे क्रॉस के विल बी आई, एंड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई विल बी जे, राइट। तो ये हमें किस केस में मिल गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसी का यूज आगे हम कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, और फिर से ध्यान में रखना है इसके बिना हम क्रॉस प्रोडक्ट का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। हालांकि सॉल्विंग जो है वो बहुत इजी होगा, बिकॉज हम उसमें डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई करेंगे, बट पहले वो तो देखना पड़ेगा हमें। तो हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, इसको कार्टेशियन के फॉर्म में लिखेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, इन कार्टेशियन फॉर्म अगर मैं अज्यूम कर लूं कि लेट वेक्टर ए, ए बी एनी वेक्टर विच इज गिवन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये वेक्टर ए हो गया हमारा, एंड वेक्टर बी इज गिवन एज, वेक्टर बी जो है दैट इज गिवन एज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसा कोई वेक्टर है, और हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम एक क्रॉस भी निकालेंगे, सो जस्ट वी कैन राइट व्हाट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट, देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ए क्रॉस बी, फाइन। देयरफॉर ए क्रॉस बी इट विल बी ए के सारे कंपोनेंट्स, दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी के सारे कंपोनेंट्स, यहां पे हैं बी के सारे कंपोनेंट्स, हम वो लिख देंगे। तो बी के कंपोनेंट्स हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखिए, जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे, 9 टर्म्स मिलेंगे। अब वो 9 टर्म्स क्या क्या होंगे वो हम डिसाइड करें। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, 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 फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इन तीनों में, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इन तीनों में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि हमें गलती से भी ऑर्डर चेंज नहीं करना है, बिकॉज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अब जैसे मैं बोलूं आई क्रॉस आई क्रॉस जे, वो के होगा, बट आई जे क्रॉस आई इट विल बी माइनस के, तो चेंज होने वाला है। इसके लिए ऑर्डर लेने में गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब हम इसका एक्सपांडेड वे ले लें, एक्सपांडेड फॉर्म ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, अब हम वही सारे टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करें, तो सारे टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी विल बी क्या मिलेगा, ए एक्स का इन तीनों के साथ, तो ए एक्स का बी एक्स आई क्रॉस आई। सो पहला टर्म मिलेगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स का इसके साथ, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, I क्रॉस J प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस K, ये पार्ट हो गया।
एक हुआ, अभी दूसरा ए वाई जे का हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ करेंगे, तो क्या टर्म मिलेगा? जस्ट वी कैन राइट अबाउट दैट, वो टर्म हम लोग लिख लेते हैं. तो नेक्स्ट वन विल बी ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, सबका मल्टीप्लीकेशन जे के साथ है. अब के वाले टर्म्स का, इसका, इसकी बात करूं तो इसका तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, बताइए आप लोग क्या होगा? यहां प्लस हमें मेंशन करना पड़ेगा, प्लस प्लस. तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, राइट. ये पार्ट हो गया हमारा क्या, ए क्रॉस बी. आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया. अब इसके पहले जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के टर्म्स पढ़े थे ना, हम उसी को अप्लाई करेंगे. तो अगर हम लोग पिछले पेज पे चलें और वहां से देखें तो हमें क्या दिखेगा, हमें मिलेगा ये वाले टर्म्स. देखिए, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो. पहले हम इन्हीं टर्म की बात कर लें, तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो और के क्रॉस के जीरो. तो आई कैन से आई क्रॉस आई वाला टर्म ये है, जे क्रॉस जे वाला टर्म ये है और के क्रॉस के वाला टर्म ये है. तो ये तीनों क्या हो गए, जीरो जीरो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो. तो अगर ये तीनों टर्म हमारे जीरो हो गए तो इनको हम लिखेंगे नहीं, इनको हम नहीं लिखेंगे. अब फिर से देख लें जो बेसिक कंसेप्ट है, हमने क्या पढ़ा है कि ये पार्ट हमेशा दिमाग में रखना है और एक हमें शेड्यूल करके रखना है. एक्स वाई जेड की बात करूं, हमने पढ़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहेगा बट क्लॉकवाइज में नेगेटिव. तो मैं एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑर्डर ले लूं यहाँ पे. एंटी क्लॉकवाइज में हमें, एंटी क्लॉकवाइज की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज होता है और ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होता है. तो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं. अगर ऑर्डर नेगेटिव लेना होगा तो हम कब लेंगे, जब क्लॉकवाइज होगा. और ये भी हमारा आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट है. तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है, लेकिन हमें हर बार यहां से देखना पड़ेगा कि इसमें ऑर्डर कौन सा है. तो अगर मैं अब बात करूं इस टर्म की, अगर मैं बात करूं इस टर्म की, इसकी, इस टर्म की, इस टर्म की, तो आई क्रॉस जे है. क्या है यहां पे, आई क्रॉस जे. आप देखिए, आई क्रॉस जे इज पॉजिटिव के, पॉजिटिव के, बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. आई क्रॉस जे इज के, तो ये टर्म के हो जाएगा प्लस के, तो प्लस के वाला टर्म तो प्लस में लिखेंगे, ए एक्स बी वाई के, ए एक्स बी वाई के, ये मिल गया इसका. अब ये टर्म देखें तो आई क्रॉस के है, क्या है, आई क्रॉस के. अब आई क्रॉस के देखें तो आई क्रॉस के हमें क्या मिलेगा, माइनस जे, बिकॉज ये क्लॉकवाइज में आ जाएगा, तो माइनस जे. तो यहां पे इसके जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस जे. सो माइनस जे ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड पहले लिख देता हूं, ए एक्स बी जेड जे, राइट. माइनस जे था तो माइनस हमने यहां पे ले लिया, एट दिस प्लेस हमने माइनस ले लिया. अब इस टर्म की बात करें तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, वापस हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इट इज माइनस के. तो ये वाला टर्म फिर से माइनस के हो जाएगा, तो माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई क्या हो गया, के हो गया, माइनस के था तो माइनस हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है. और ये टर्म क्या हो गया, जीरो,
जे क्रॉस ए वाला टर्म जीरो। अब जे क्रॉस के देखे, जे क्रॉस के हमारा क्या है, जे क्रॉस के नेक्स्ट वेक्टर इज आई, तो आई होता है प्लस आई मिला, तो प्लस प्लस जे क्रॉस के की बात कर रहे थे ना, हाँ तो आई आया, तो ए वाई बी जेड आई, ए वाई बी जेड आई, राइट, बी जेड आई, ये टर्म हो गया। अब हम इस टर्म की बात करें, के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई इज अगेन जे, के क्रॉस आई इज जे, राइट, तो जे मिलेगा, तो जे ए जेड बी एक्स जे, ए जेड बी एक्स जे। अब ये वाला टर्म देखें हम लोग, दिस इज के क्रॉस जे की बात कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो के क्रॉस जे विल बी माइनस ऑफ आई, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ए जेड बी वाई इंटू आई, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करता हूं, ये टर्म मैं वहां पे लिख देता हूं, तो माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई, और यहां से मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं। अब देखें नेक्स्ट टर्म में हमें कुछ सिमिलर टर्म्स मिले हैं, यहां k का टर्म है और यहां पे k का टर्म है, ये j का टर्म है और ये j का टर्म है, एंड ये i का टर्म है और ये भी i का टर्म है, तो हम सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख लें। I वाला टर्म सबसे पहले ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई, ये I के टर्म्स हो गए। आगे माइनस J वाला टर्म ले लें, J वाले टर्म्स, तो माइनस J बाद में लिख देता हूं, माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस जे वाला टर्म ए जेड बी एक्स जे, ये जे वाले टर्म्स हो गए। अब के वाले टर्म्स की बात करूं, तो ये और ये, तो ए एक्स बी वाई के प्लस ए एक्स बी वाई के माइनस दूसरा कौन सा है के वाला टर्म, ये ए वाई बी एक्स के, राइट। तो ओवरऑल अब हम आई जे के तीनों में से कॉमन ले लें, आई जे के अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा, आई हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और जे कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, ए एक्स बी जेड माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के वाला टर्म कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हमारा ए क्रॉस बी मिल गया, क्या मिल गया, ए क्रॉस बी, वी गेट ए क्रॉस बी। तो एक चीज हम लोग यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मिला, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आई जे और के कंपोनेंट्स में मिला, और आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है,
तो ये दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट मिला है वो वेक्टर मिला, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा है कि ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ए है बी है कॉस थीटा, उधर डायरेक्शन नहीं है, राइट? तो इसलिए वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए ही बोलते हैं कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो फाइनली क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। सो इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमने इस कार्टेशियन फॉर्म में निकाल दिया। अच्छा, अब इसी चीज को हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका अल्टरनेट मेथड है जो कि डिटर्मिनेंट मेथड है। तो आप अगर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन टेक, आप ले सकते हैं। सो अब हम लोग चलेंगे कौन से पार्ट के ऊपर, वी विल मूव अहेड ऑन नेक्स्ट वन, दैट इज द अल्टरनेट मेथड, दैट इज द डिटर्मिनेंट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट का ही एक अल्टरनेट मेथड है, दैट इज द डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम बात करेंगे अभी डिटर्मिनेंट मेथड, इट इज द अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड जो कि डिटर्मिनेंट मेथड है, मेथड इट इज द डिटर्मिनेंट मेथड, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट मेथड, दिस इज द डिटर्जेंट, सॉरी नॉट डिटर्जेंट, इट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मेथड। ये मैथ्स का एक पार्ट है डिटर्मिनेंट, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा होगा। तो मैं फिर से वो वेक्टर लिख देता हूं कि हमने वेक्टर क्या लिया था, वेक्टर ए वाज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड वेक्टर बी वाज, वेक्टर बी क्या हमने लिया था, दैट वाज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डिटर्मिनेंट मेथड से तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ, हम सबसे पहले लिखेंगे आई जे के यूनिट वेक्टर्स और फिर ए के सारे कंपोनेंट। तो ए के कंपोनेंट क्या क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, जो हम आई जे और के नीचे रिस्पेक्टिवली लिखते चले जाएंगे, ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी के कंपोनेंट्स दीज आर द बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ठीक है, अब इनका वैल्यू हम निकालेंगे। तो कैसे हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ए क्रॉस बी हम लोग कैसे लेते हैं, सबसे पहले इसको ऑपरेट जो करने का तरीका है ना वो प्लस माइनस प्लस है। कैसे है, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लेंगे। तो सबसे पहला टर्म लेंगे प्लस आई, तो आई का टर्म लिया। अब आई किधर है वो हमें देखना, आई इधर है, तो इस रो को हम छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये रो गया और ये कॉलम गया, इसके अलावा कौन से चार एलिमेंट बचे हम उनको लिख देंगे, ये चार एलिमेंट है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, राइट? यस। अब फिर माइनस जे वाला कंपोनेंट लेंगे, इसको कैसे ऑपरेट करना है ये याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे, अब माइनस जे लेंगे तो जे जहां पे है उस रो को छोड़ देना है, उस कॉलम को छोड़ देना है। तो इस रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे तो ये दो एलिमेंट बचे, ये दो एलिमेंट बचे, क्योंकि ये रो गया और ये कॉलम गया, तो ये चार बचे ना, तो इन चारों को लिख देंगे ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, राइट? प्लस
के जो तीसरा वाला, ये वाला, अब के लिया ना, तो के वाले एलिमेंट के रो को छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे, तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचे ये चार एलिमेंट, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। हम यहाँ पे उसको भी लिख देंगे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, राइट, बी एक्स बी वाई। तो अब हम लोग यहाँ पे देखे कि अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, वो डिटरमिनेंट में आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंपली हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा वो हम लिख लें, तो हमें मिलेगा, जो हमें मिलेगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इट विल बी आई आई इन ब्रैकेट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए जेड बी वाई, इन दोनों का ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, देन माइनस जे, माइनस जे, माइनस जे लिया तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, माइनस ए जेड बी एक्स। देन के वाला टर्म, तो प्लस के वाला टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। ये हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मिल गया ए क्रॉस बी का। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो ए क्रॉस बी अभी हमें मिला यहाँ पे, इट इज सेम एज द वट एवर जो हमें डिटेल में हमने जो मल्टीप्लीकेशन किया था ना, ये दोनों सेम है। तो आपको ये मेथड याद रखना है, बिकॉज जिसमें सिर्फ आई और जे के टर्म्स होंगे, जैसे दो वेक्टर दे दिया ना ए और बी, उसमें अगर सिर्फ दो कंपोनेंट्स है आई एंड जे वाले, तो उसमें आपको कंपल्सरली यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दिस रूल यू पीपल हैव टू अप्लाई। और अगर हमें एक्स वाई जेड तीन तीन कंपोनेंट दिया है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये डिटरमिनेंट मेथड यूज करोगे, राइट, डिटरमिनेंट मेथड, दिस वन, दिस मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, ये डिटरमिनेंट मेथड है टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। सो दिस इज द टर्म। अब अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी मैं रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स का एक वीडियो बनाया हूं, उसमें हमने बताया है कि हम 2D और 3D वाले वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करें। और ठीक है, मैं आगे इसके एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, तो हालांकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा कि व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं, तो वेक्टर हमारा ये है, दिस इज वेक्टर ए, और इसमें जो एक्स आई और जे एंड केज के जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो इट विल बी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एंड सिमिलर वे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इट इज मॉड ऑफ वी, आई विल राइट मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर, यहां से देख के बोलना है बी के कंपोनेंट्स ये है ना, ये है कंपोनेंट्स, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, राइट। तो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, और इनका ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग एंगल
बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जो अब तक हमने पढ़ा उसी के बारे में बात करें। तो हमें मालूम है सिंस ए क्रॉस बी दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब हमें साइन थीटा देखना पड़ेगा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी दैट इज, अच्छा एन कैप भी बचा है तो अपॉन एन कैप, राइट। अब जरा सोचें एक और पार्ट, दिस आई कैन राइट इट साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस इज साइन थीटा। अब सवाल ये आता है कि यहां ये ए क्रॉस बी था, उसको हमने मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे लिख दिया, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई एन कैप वेक्टर। एन कैप से अगर वेक्टर डिवाइडेड है तो बेसिक हम लोग रेफरेंस के लिए समझ सकते हैं कि हमें पता है कि सिंस ए कैप दैट इज यूनिट वेक्टर ए इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहता हूं मॉड ऑफ वेक्टर ए, इट विल बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर ए। तो यहां पे भी वही सेम चीज हुआ है, यहां पे ये ए क्रॉस बी जो हमें मिला वो वेक्टर मिला था, बिकॉज अगर हम पीछे देखें ए क्रॉस बी तो हमें वो मिला है आई जे और के के कंपोनेंट्स में, तो ये वेक्टर है, आई जे के के कंपोनेंट्स में क्या है, वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी ऑलरेडी वेक्टर मिला है, और वेक्टर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन से, राइट। तो मैग्नीट्यूड, सॉरी हम क्या चाहते हैं, हमें तो ठीक है, यहां हम लोग बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय एन कैप क्या है, डायरेक्शन, एन कैप की जगह यहां ए कैप है, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया हमें, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो दिस वे वी कैन सॉल्व एनी ऑफ द सम्स। अभी हम लोग एक इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम दो वेक्टर ले लेंगे, एग्जांपल है जस्ट, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल कि लेट, ये एग्जांपल है, ठीक है, लेट वेक्टर ए बी, जैसे आई जे के कंपोनेंट्स में लिखना है 2i + 3j + 4k, ठीक है, एंड वेक्टर बी इट इज गिवेन एज i + j + 2k, या यहां कहीं माइनस भी हो सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। सो व्हाट विल बी ए क्रॉस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी क्या होगा, अब हम ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट मेथड से, तो इस फॉर्मेट में हम लोग लिख लें, तो डिटरमिनेंट मेथड के फॉर्मेट में ये क्या होगा, डिटरमिनेंट के मेथड में ये होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे आई जे के, ये तीनों कंपोनेंट्स, अब देखें ए के कंपोनेंट्स आई जे के अलोंग जो 2, 3, 4 है, 2, 3, 4, अभी बी के कंपोनेंट्स यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1, 1, 2, 1, 1, 2। अब ऑपरेट कैसे करना है इसे, वो भी हम रूल बता चुके हैं कि वी हैव टू ऑपरेट इट प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस में,
तो प्लस माइनस प्लस में अगर हम इसको ऑपरेट करें तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा यहां से अगर लिखना चाहें तो आई आई का कंपोनेंट हो गया। अब जो बचा इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 4 1 2, 3 4 1 2। दूसरा माइनस जे, माइनस जे। अब इस रो को छोड़ देंगे, जे यहां है ना, तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 2 4 1 2, 2 4 1 2, देन 2 4 1 2। प्लस के का टर्म, के वाला टर्म हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 3 1 1, 2 3 1 1। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करें तो हमें ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी। देयर फोर आई विल राइट ए क्रॉस बी, इट विल बी आई आई। अब यहां क्या करते हैं, हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3 2 6, फिर माइनस लगाते हैं 1 into 4, तो 3 2 6 -4, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 3 6 -4, 6 -4। प्लस सॉरी जे माइनस में है, जे माइनस में, तो माइनस जे माइनस जे। अब इस केस में 2 2 4 -4 1 4, तो 4 -4, राइट। प्लस के का कंपोनेंट लिया तो 2 1 2 -3 into 1, तो 2 -3, राइट। अब ये एंटायरली हमें मिल गया, 6 -4 is 2, तो 2i, 4 -4 is 0, प्लस 0j, या लिखने का जरूरत नहीं है, 0 जे वाला कंपोनेंट नहीं लिखने का जरूरत है, और ये माइनस के, राइट। तो ओवरऑल हमें मिल गया व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमें मिल गया 2i माइनस के। ये हमें क्या मिल गया, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मिल गया, सॉरी ए क्रॉस बी मिल गया, करेक्ट। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इट विल बी रूट ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इट विल बी रूट ऑफ ए के कंपोनेंट्स 2 3 4, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट विल बी रूट ऑफ 2 2 4 प्लस 3 3 9 प्लus 16 16 9 25 25 प्लस 4 रूट ऑफ 29। ये हमें मिल गया मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मिल गया। अब हम मॉड ऑफ वेक्टर बी की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सीधा सीधा निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वो कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी के कंपोनेंट्स, बी के कंपोनेंट्स क्या है, 1 1 2, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट, 2 2 4 प्लस 2, दैट इज रूट ऑफ 6, ये हमें मॉड ऑफ वेक्टर बी मिल गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि व्हाट विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए क्रॉस बी, दैट वी कैन फाइंड आउट, तो हमें पता है सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मॉड। अच्छा मैं ये भी पहले सेपरेटली फाइंड आउट कर लेता हूं, व्हाट विल बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, व्हाट विल बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वो भी हम देख लें। सो ए क्रॉस बी हमने ये निकाला है ना, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, जो ए क्रॉस बी आया उसका मैग्नीट्यूड वो क्या होगा,
दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज के यहाँ क्या है माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर सो इट विल बी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 दैट इज बिकॉज माइनस वन का स्क्वायर इज 1 तो इट विल बी रूट ऑफ 5 कितना मिल गया रूट ऑफ 5 तो अगर मैं साइन थीटा मतलब इनके बीच का एंगल ए और बी के बीच का एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या निकाला है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी ये टर्म है तो ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया रूट ऑफ 5 अपॉन मॉड ऑफ ए रूट ऑफ 29 अप इंटू रूट ऑफ मॉड ऑफ बी कितना है रूट ऑफ 6 सो आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सो दिस इज द साइन थीटा विल बी रूट 5 या ओवरऑल मैं एक साथ कर देता हूं 5 अपॉन ये 6 9 36 180 180 माइनस 6 174 तो ये आ गया 174 ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया एंड थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ दिस पार्ट वो आगे हम लोग लॉग से कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये पूरा जो भी पॉसिबिलिटीज थी अगर आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बात करता हूं इसके बारे में ओके तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक टोटल पार्ट जो है बेसिक तो लास्ट जो भी पॉसिबिलिटी है थीटा फाइंड आउट करने का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का जो भी आपको चाहिए एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो और अगर सबसे पहले तो ये है कि चैनल पे व्यूज थोड़े उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग